What a pleasant surprise. करण, हम आपकी सगाई की तारीख पक्की कर रहे थे. मेरे एंगेजमेंट की डेट तय हो रही है और मुझे नहीं पता. श्वेता, तुमने बताया नहीं. पंडित जी, आप पंचांग देखकर तारीख बताएं. जी. 16 तारीख सगाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. करण, आपकी सगाई की तैयारी का सारा जिम्मा हम नताशा को दे रहे हैं. इसे मार. नताशा, आप सारी तैयारियां अपने तरीके से कीजिएगा. मैं करण की पसंद अच्छी तरह से जानती हूं. हेलो. हाय माँ. कुणाल, बिल्कुल सही वक्त पे आपने फोन किया. एक खुशखबरी है. खुशखबरी? करण की सगाई पक्की हो गई है इस महीने की 16 तारीख पे. अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है. आप आएंगे ना? माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा. आप आते तो हम आपको देख लेते. माँ, लेकिन आप करण को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा. आप उर्वशी से बात करेंगे? हाँ. नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगा. अच्छा, बाय. क्या हुआ माँ? भाई सगाई पे आ रहे हैं ना? नहीं आ पाएंगे करण. I don't believe this man. लेकिन आप तो खुश हैं ना? माँ, what can I say? तुमने हमेशा हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल किया. क्यों नहीं? और आज तो तुम्हारे लिए दुगनी खुशी है. और आज तो तुम्हारे लिए दुगनी खुशी. और आज तो तुम्हारे लिए दुगनी खुशी. और आज तो तुम्हारे लिए दुगनी खुशी. ऋषभ, क्या हुआ? किसने किया ये? किसने किया? आप पूछ रही है किसने किया? जिसने ये सब करवाया आप? श्वेता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ इस तरह बात करने की? बस बस, कोई कुछ नहीं कहेगा. ऋषभ, ये हमला किसने किया? ऋषभ पे ये हमला? हम ऋषभ से बात कर रहे हैं. जी, मैं उन हमलावरों का चेहरा देख नहीं पाया. लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया, हम उन्हें सजा दिलवा कर रहे हैं. चिंतन जी, आप ऋषभ को घर छोड़ाए. जी शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा. जब बड़े कुछ कहें तो मान लेना चाहिए. जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा. मैं और कृतिका अच्छे दोस्त हैं. अच्छे और सच्चे दोस्त. मेरी सबसे यही विनती है कि हमारी इस दोस्ती के कुछ और मायने ना निकाले जाएं. चाहे दुनिया भर के अखबार और लोग कुछ भी कहें. नमस्ते. इस वक्त आप सब हमें इजाजत दें. एक बात हम आप दोनों से साफ साफ कह देना चाहते हैं. आइंदा से ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे इस घर की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे. बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. इसे समझाइए अपनी बेटी को. मुझे क्यों? और जो तुमने किया उसका क्या? मैंने क्या किया? क्या क्या मैंने? सबको पता है तुमने. ऋषभ पे हमला मैंने नहीं करवाया. और यकीन जानो कृतिका, जिस दिन मैं ऋषभ पे हमला करूंगा ना, वो अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेगा. और वैसे भी सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? कृतिका, तुम अंदर जाओ. क्यों? मैं ही क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं आप अंदर जाइए. मैं अंदर नहीं जाऊंगी. मैं नहीं जाऊंगी. माँ, तुम तो जानती हो ये जो कुछ भी हुआ है वो मैंने नहीं किया है. करण, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं. हम सिर्फ इतना आप दोनों से कह रहे हैं, इस घर में शादी होने वाली है. लोगों का आना जाना लगा रहेगा.
किसी के सामने ऐसी हरकत कभी ना हो। हम आप दोनों से कह रहे हैं। हम दोनों से नहीं, आप सिर्फ मुझसे कह रही हैं, सिर्फ मुझसे, अपनी बेटी से। ये करण का रह गया कितनी देर। सॉरी, तुमने तो डरा दिया मुझे। अरे मैं अपना डर निकालने के लिए सब कर रहा था। क्या मतलब? मतलब तुम भूल गई कल माँ की टेरर की वजह से क्या माहौल हो गया था। हाँ, कल तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, सब कितने डरे हुए थे ना। अरे माँ किसकी है, कभी कभी गुस्सा होती है, लेकिन जब गुस्सा होती है तो इंसान क्या घर की दीवारें भी कांप जाती है। So, mama's boy, what's the plan? भाई प्लान तो ये है कि तुम्हें कहीं बाहर ले जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल, तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए मैं श्वेता की ज्वेलरी फाइनलाइज करने आई हूँ। ओह माय गॉड, और मुझे वार्निंग तक नहीं दी। आप लोग लग रही है मुझे बख्शिए। कीजिए कीजिए। अच्छा आंटी, वो तो है ना घर पे? एक्चुअली मामा पापा के साथ कहीं बाहर गई है। कोई बात नहीं, तुम अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लो। हाँ श्योर, आइए ना, आइए आइए आइए। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और आप चुप रह गए? आपने कुछ नहीं किया? मुझे समझ में नहीं आता कि आप चुप कैसे रह गए। आप नहीं समझेंगे रघुनंदन जी, आप नहीं समझेंगे, ये बात सिर्फ एक बाप समझ सकता है। पहाड़ से गिरकर आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन औलाद की नजर से गिरकर नहीं। मैंने अपने बेटे से वादा किया है कि मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दूंगा, और सिर्फ राजनीतिक रंग ही नहीं, मैं अखबार में बयान तक नहीं दूंगा। अरे तो क्या आप ऋषभ के हमलावरों को यूं ही छोड़ देंगे? हमलावरों को छोड़ने का वादा मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये हमला ऋषभ पर नहीं, इस भागवत पर हुआ है, इसकी साख पर हुआ है, प्रजातंत्र पर हुआ है। नमस्कार। खाली हाथ आए हैं तो उल्टे पांव लौट जाइए मानव जी, और अगर खबर लाए हैं तो बैठ जाइए। यानी हमला किसने किया, ये खोजी पत्रकार ने खोज लिया? हमला समर ने करवाया, करण का दोस्त और एडवाइजर। समर को ये एडवाइस किसी ने नहीं दी कि भागवत के बेटे पर हमला अपनी मौत बुलाना है। वाव, ब्यूटीफुल। नताशा इज रियली नाइस, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मुझे ये पसंद नहीं। ये लीजिए। हेलो, क्या आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट में जमीन चाहिए? कमाल करते हैं आप भी, आप लोग चंदा भागवत साहब के इलेक्शन कैंपेन को देते हैं और जमीन हमसे मांगते हैं। आई होप, एक काम कीजिए, आप समर से बात कीजिए, वो आपको डील समझाते हैं। ओह माय गॉड, आई वंडर तुम लड़कियों को ये ज्वेलरी शुलरी देके हो क्या जाता है? Well, ज्वेलरी और लड़कियां एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। Of course. Hey, पसंद कर लिया? Actually, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। क्या? श्वेता की पसंद और आंटी की पसंद इतनी अलग होगी, मुझे नहीं पता था। इन्हें एक बार दोबारा आना होगा। Okay, लेकिन दोबारा आने से पहले
मुझे जरूर वॉर्न कर दीजिएगा, आई वोंट बी देयर। अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं, तुम चलो ना साथ में। आई वुड लव टू कम, लेकिन मुझे पार्टी मीटिंग के लिए जाना है, अब मुझे निकलना चाहिए। वैसे करण तुम कब आ रहे हो? मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओके ओके चलिए, तो फिर हम शाम को मिलते हैं। ओके कुछ पसंद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? करण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे नहीं नहीं, बात बात अभी नहीं, पहले पेट बहुत भूख लगी। चल करण, तुम्हारी ये जो फ्रेंड है ना नताशा, मुझे वो बिल्कुल पसंद है। क्यों, मेरे गाल पे किस करके गई इसलिए? करण मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अरे तो मैं भी कौन सा मजाक कर रहा हूं। आई थिंक यू आर अ लिटिल जेलस। करण मेरी बात सुनो। करण मेरी नशु मेरे बचपन की दोस्त है, क्यूट है, सुंदर है, ऊपर से स्मार्ट भी है, पार्टी ऑफिस में मेरी मदद भी करती है। करण करण प्लीज, आई एम रियली वेरी सीरियस, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी है। हे, तुम तो वाकई सीरियस हो? करण आई एम सीरियस, तुमने देखा नहीं वो किस तरह से मेरी इंसल्ट कर रही थी? श्वेता, अरे वो मेरे बचपन की दोस्त है और वो अच्छी तरह जानती है कि तुम मेरी जिंदगी हो। आई लव यू। एग्जैक्टली, इसलिए तो उसे तकलीफ होती है। अरे और उसकी आंखों में मुझे ये दिख जाता है। अच्छा एक काम करती, अव्वल तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगा। तुम प्लीज अपना गुस्सा छोड़ो, मूड मत खराब करो, चलो चल के खाना खाते हैं। सुना है कि भूख लगने से गुस्सा बढ़ जाता है। कृतिका, ये तुमने ठीक नहीं किया। भाभी प्लीज, ना मुझे कुछ सुनना है और ना कोई सफाई देनी है। कम से कम तुम्हें ये तो सोच लेना चाहिए था कि लोग थे उस वक्त घर पे, श्वेता के मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनपे। आप मेरी जगह होती तो आप भी वही करती जो मैंने किया है। आई एम सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि अगर घर की लड़ाई घर की चार दीवारी के बाहर चली जाए ना, लड़ाई नहीं रहती, तमाशा बन जाता है। भाभी भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो तो आपको समझ में आएगा किसी को सलाह देना कितना आसान है। हो सकता है कि उस वक्त मैं अपने दिल पे काबू ना कर पाऊं, पर कृतिका तब भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मम्मी की इमेज खराब हो, उनके दिल को धक्का पहुंचे। उनके पास दिल है? क्या बात कर रही हो तुम कृतिका, तुम्हारी माँ है वो, शी इज हर्टिंग। देखो करण ने माफी मांग ली है, तुम भी माफी मांग लो। भाभी पहली बात तो ये, मैंने कोई गलती नहीं की, और दूसरी बात, जो करण भैया ने किया है वो कोई गलती नहीं, वो जुर्म है। जिस तरह से उन्होंने ऋषभ को मारा, उन्होंने मम्मी से माफी मांग ली और मम्मी ने माफ कर दिया। और एक बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मेरे माफी मांगने से इस घर में कुछ नहीं बदलने वाला है, खासकर मेरे लिए। कृतिका सुनो, सुनो एक मिनट, कृतिका बुआ, ये मैं क्या सुन रही हूं बेटा? तो मम्मी ने अपनी कहानी आपको भी सुना दी? ना ना, प्रिया ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं ये जानना चाहती हूँ, ऋषभ पर जो अटैक हुआ उसके लिए तुमने करण को जिम्मेदार ठहराया? क्योंकि यही सच है बुआ, उस दिन करण भैया ऋषभ के साथ मेरी फोटो देखकर जिस तरह भड़क गए थे, मैं उसी दिन जान गई थी कि वो कुछ करेंगे। और बुआ, उन्होंने जिस तरह से ऋषभ को पीटा है ना, अगर आप देखती तो आप भी रो पड़ती। और वो मैंने किया क्या है, क्या गुनाह किया है मैंने, सच ही कहा ना, मुझे समझ में नहीं आता बुआ कि इस घर में कोई मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता। अरे मैं चैन से जीना चाहती हूँ बुआ, मैं चैन से जीना।
बिल्कुल रो मत, अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुमसे सीधे एक बात कहूं, बहुत दिनों से मन में थी, वीर होता तो शायद यही कहता। देखो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, दोबारा शादी कर लूं। दोबारा शादी कर लो। अच्छा लड़का है ऋषभ, मुझे पसंद है। बुआ आप गलत समझ रही है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, इस दोस्ती को पति पत्नी के रिश्ते में बदलने की सलाह दे रही हूँ। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज तो मैंने तय कर ली है बुआ, इस दोस्ती को मैं अब हरगिज़ नहीं तोड़ूंगी, चाहे उससे करण भैया नाराज हो जाए या मम्मी। यस भागवत जी, हम प्रियंवदा बोल रहे हैं। ऋषभ कैसे हैं? आपके आशीर्वाद से अच्छा है। यकीन मानिए हमें इस बात का बहुत अफसोस है। मैं यकीन कर ही रहा हूँ प्रियंवदा जी। उसी तरफ इस बात की बहुत खुशी भी है कि आपने इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, घर की बात को घर में ही रखा, पब्लिक में नहीं लाए, मीडिया को दूर रखा। कुछ दूरियां बनाए रखना मैं बहुत जरूरी समझता हूं प्रियंवदा जी। राजनीति और रिश्तों के बीच घाल मेल मैं नहीं करता, ये मेरा उसूल है। दुश्मन की सजा उसके बच्चे को नहीं देता, ये भी मेरा उसूल है। ये जानकर खुशी हुई। ऋषभ से कहिएगा हम बाद में उसे खुद फोन करेंगे। नमस्कार। प्रिया, मुझे कृतिका के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। आइए बैठिए दीदी। प्रिया, तुम कृतिका को गलत समझ रही हो और उसके एनजीओ के काम को भी। हमें समझाने के बजाय आप कृतिका को समझाएं। एनजीओ की आड़ में वो जनता की नहीं भागवत के गलत मंसूबों को पूरा कर रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एनजीओ के काम के पीछे भागवत का हाथ है? जब विधानसभा में वो जीत नहीं पाए, हमारी सरकार को नहीं हिला पाए, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए, तो अब वो हमारे परिवार को दो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं अपने बेटे ऋषभ के साथ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऋषभ अपने पिता के इशारों पर काम कर रहा है? भागवत एक बहुत शातिर राजनीतिज्ञ है, वक्त आने पर वो अपने बेटे को भी दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आप ये बात कृतिका को समझा दीजिए।